हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण श्री सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 27, ये चैप्टर बायोलॉजी का है, प्रदूषण। देखिए, ये प्रदूषण जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 11वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, जो मर्जी हो, सभी बच्चों के लिए अगर सिलेबस उनमें प्रदूषण है तो ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत तुल्य है। क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर जो है आपको हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है, और साथ में जो आपके मोबाइल पर डिस्प्ले भी होती है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है। तो कहते हैं यहाँ पर जो है डबल डोज के रूप में त्रिपाण सेंटर जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। दोस्तों, आज जो हम करेंगे प्रदूषण में बहुत कुछ जानेंगे, जिसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जो होगा इसमें मेन हम उठाएंगे, और इसके मुद्दा, इसके प्रिवेंशन और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। तो सी सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ये तो चैप्टर इज अ पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 एनआईएस बोर्ड एंड प्लस एनसीईआरटी प्लस 1 प्लस 2 एंड ऑल क्लास ऑफ स्टूडेंट, देयर इज द सब्जेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, देयर इज अ टॉपिक एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एनवायरमेंट एंड द कंपोनेंट इन देयर एरियल लेसंस। You have also studied of importance of maintaining a life supporting environment. However, the environment has undergoes many changes over their period of time. The pollutant expansions of recent time and the resulting in the a number of environmental problems. There is a number of environmental problems here today. The population of India has crossed to the figure of 2 billion and the world population is estimated to have touched the 7 million mark. To meet a demand of food, housing and energy, the environmental reserves are began to export it at the first place over as pollution of resource and human activity have a resulting in many environmental problems such as deforestation, destruction and the wildlife, air, water, land, noise pollution and diminishing of fossil fuel, oil, coal and natural gas. Is a concentration of the pesticides and alarming variation in their body of organism and depletion of ozone layer as a global warming. In this lesson, you will learn about the various kind of environment pollution, there is a causing effect and control. After completing this lesson, you will be able to define the pollution and the list of various type of pollution and mention their source and describe the effect of air, water and soil pollution on the flora and fauna, and describe the method of control of air, water and soil pollution, and describe the method of the nuclear and the solid waste management, and describe the causing of the effect of the sound pollution also, and describe the causing of effect of the radiation pollination, and discuss the rate of entry and transcolation of pollutant in the human body. तो हमारा टॉपिक जो आया है वो है प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण तो बहुत ही आम है, आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, लेकिन प्रदूषण जो हम आज करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर है। लेकिन ये कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे कोई भी बोर्ड से वो बिलोंग करते हो। अगर उनके सब्जेक्ट में पॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहते हैं अगर हमने पिछले बात देखा जाए तो हमने पर्यावरण के घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, हमने जो है जाना है
कि यहाँ पर जो जीवन आधार पर्यावरण लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट के रखरखाव के महत्व के विषय में भी हमने काफ़ी चर्चा किया था। कहते पर्यावरण में समय बीतने के साथ साथ अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं, हालांकि इन्होंने ये बता दिया है कि आने वाला समय बहुत ही जो है कष्टदायक है। हाल के वर्षों में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेकों पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई है। भारत की आबादी जो है 1.4 आंकड़ा पार कर चुका है, विश्व की आबादी का 6 अरब से भी अधिक हो चुकी है। कहते भोजन, आवास और ऊर्जा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय संसाधनों को बहुत तेजी से दोहन किया जा रहा है। संसाधनों का अधिक दोहन एवं मानव गतिविधियों को कई कारण कई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे निम्नीकरण, वन्य जीवन का विनाश, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, कोयला और गैस की मात्राओं में कमी और अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग जिसे शरीर के लिए हानिकारक सीमा तक संदर्भता और ओजोन परत की विनाश जो है भूमंडलीय उष्ण तापमान बढ़ना, तो ये सारी समस्या जो है इंसानों के लिए आने वाला समय में बहुत गंभीर समस्या बन की खड़ी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम पर्यावरण प्रदूषण उनके परिणाम जो है नियंत्रण के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जब आप ये चैप्टर कर लोगे तो कई मायने में बहुत सी बातें जान जाओगे, जैसे कि प्रदूषण की परिभाषित कर सकोगे, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की सूची बना सकोगे और उनके स्रोत का वर्णन भी कर सकोगे। वायु, जल और मृदा प्रदूषण का पौधे एवं जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी वर्णन कर सकोगे। वायु, जल और मृदा प्रदूषण की नियंत्रण विधियां का भी वर्णन करना आपके लिए अत्यंत आसान हो जाएगा और नाभिकीय न्यूक्लियस एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की विधियों का भी वर्णन कर सकोगे। ध्वनि प्रदूषण के कारणों और प्रभावों का भी वर्णन बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। कहते हैं विवेकपूर्ण प्रदूषण के कारणों और प्रभावों का वर्णन भी आपके लिए आसान हो जाएगा और मानव शरीर में प्रदूषण को प्रवेश और हस्तांतरण की दर विवेचन भी कर सकोगे। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस चैप्टर में हमारे साथ। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्यूशन। द पोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवर फॉर्म अ नंबर ऑफ डेली एक्टिविटीज सच एज द बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ एंड विद द सोप्स एंड डिटर्जेंट। बाय डूइंग सो वी एड सम केमिकल रिड्यूसिंग टू अ वाटर एंड चेंज इट इज अ क्वालिटी। दिस वाटर वॉज अ मिक्स विद द वाटर इज अ पॉन्ड एंड रिवर ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड द क्लियरनेस इज अ कुकिंग ऑफ फूड आउट यूजिंग आउट टू द फायर वुड एंड मई बी आर रिलीज स्मोक इन द एयर एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मई बी डम्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द एनवायरमेंट। द एडिशन ऑफ द अनवॉन्टेड सब्सटेंस इज अ कॉन्सेंट्रेशन दैट हैज अ एडवाइस टू इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। द पोल्यूशन मीन टू द अनवॉन्टेड सब्सटेंस। देयर इज अ पोल्यूशन इज unwanted substance in a concentration that has absorbed effect of organism and environment. There is effect of organism and environment that is called to the pollution. There is here one fact here, the on the undisturbable change in the physical, chemical and biological characteristics of environment, especially air, water and land, that we may be advised to the effect of the human population and the wildlife industry process is a culture zest and the built and the momentums is called pollution. That is the most important here definition. That is also important definition here is a pollutant. That a pollutant, the agent that pollute the environment or causing the pollution is called is a pollutant. That is the most important topic here. The agent that pollute of environment or causing to the pollution is called pollutant. There is a note down your copy. The next is the types of pollution. Now depending upon the area of the part of environment effect is a pollution may be of the following is a types. There is a air pollutions, water pollutions, land pollution and the noise pollution. The first will come to the air pollution here. What is the air pollution? The air pollution, we all breathe in the air. You, all the breath in the air, we can feel and even smell the air. And so whether it is a fresh still, there are pollutions is air may be not be noticed until we or see a smoke coming out from the source. All human activities for the cooking at home to activity is highly is a mechanized and industry contribute to the air pollutions and their source of the air pollution and the air. Here the source of air pollution can be divided into two category. There is a natural and human made. There is the most important air. Their source of air pollution is divided by two category, is a natural and human made. The first of all come to here, a natural source. The ash from to the burning up is a volcanoes, is a dust from the storm, forest and fire. There is a natural pollution here and pollen grains from flowers in the air is a natural source of pollutions.
एंड हेयर इज द एंथ्रोपोजेनिक, इज ह्यूमन मेड सोर्स हेयर। देर द ह्यूमन मेड इज द फर्स्ट इज अ पावर स्टेशन यूजिंग द कोल क्रॉल ऑयल रिलीज CO2 इन द एयर, एंड सेकेंड इज ऑल्सो इज अ फर्नेस यूजिंग कोल कैटल जंक्स केक्स एंड फायर वुड्स एंड द केरोसिन एक्सेट्रा, एंड द थर्ड इज स्टीम इज इंजन यूज द रेलवे स्टीमर इज अ मोटर बाइक एक्सेट्रा गिव आउट ऑफ CO2, एंड सो टू अ मोटर एंड इंटरनल कम्बशन ऑफ इंजन्स एंड विच रन ऑफ पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो देयर इज वेजिटेबल ऑयल केरोसिन एंड द कोल इज अ हाउस होल्ड फ्यूल इज अ ह्यूमन मेड पॉल्यूशन, एंड द नेक्स्ट इज अ सीवेज एज अ डोमेस्टिकल ड्रेन्स इमिटिंग्स ऑफ फ्यूल्स ऑफ गैसेस and the list of pesticide residues in the air. There is a main importance here and the major air pollutants here. The some major air pollutants are discussed here. First of carbon dioxide. So what do you mean to carbon dioxide pollution? So here carbon dioxide pollution, the carbon dioxide is one of the major gas which contribute to water air pollution. There is a measure of carbon dioxide is a pollution here. It is mainly produced during to the combustion of the fuel of factories, power station, household, etc. The increasing carbon dioxide in the atmosphere is likely to have the following effect. First is a rise in atmospheric temperature and global warming due to greenhouse effect, and also causing a climate change. There is a carbon dioxide effect. And second is a reduce of productivity of the marine ecosystem. There is the most important factor here, effect on the marine ecosystem. And this due to fact that is the water is the oceans, but we are more acidic due to the increasing of concentration of carbon dioxide in the air, and which is dissolved in the water. There is a major factor reducing productivity of marine ecosystem. And next is, due to global warming, there increasing surface temperature and will be causing to melting of concentration of the mountain glaciers, and there would be a cause of floodings and coastal area of some country. There is a major effect on the global warming here. The glacier is a mountaining, is a melting day by day. There is a very effectful for the some countries and coastal area also. The next is the sulfur dioxide. It is produced by the burning of coal is a powerhouse and the automobiles, means a car, truck, etc. Is it increasing day by day? It is causing to the chlorosis and it causes of plant and irritation of the eyes, injury to be respective tracts, asthma, bronchiasis, and the human is responsible for the declarations and decorations of buildings. And the high concentration of sulfur dioxide in the atmosphere dissolve in the raindrop to be sulfuric acid, which is causing of the acid rain. There is the acid rain is a common for the sulfuric acid on. The next is a carbon monoxide. Carbon monoxide is a carbon monoxide as they are produced as a result of the incomplete combustion of fossil fuel like coal, petroleum, and wood is a coal. Charcoal, there is a wooden coal is a charcoal. Is automobile using the diesels and petroleum are the major source of carbon dioxide and which get of added to be a atmosphere. The carbon dioxide is a more dangerous than carbon dioxide. It is a poison gas which is causing a respiratory problem and when it reaches to the bloodstream and is a replace oxygen due to the high affinity to hemoglobin. It is also causing to gadolinias and headache and interfere with the normal function of the heart. There is a very dangerous is a carbon dioxide gas in a human body. The next is the fluorides. This is upon heating rocks, soil, and mineral that contain of fluorides give out a hydrogen fluoride gas. This is extremely is a toxic gas and is causing serious injury to the livestock and cattle. And the next is the oxides of nitrogen. There are few oxides of nitrogen such as nitric oxide NO and the nitric oxide NO2O and the nitro dioxide NO2 are the produced by the natural process well as form of thermal power station is a factory, automobiles and the aircraft due to burning of coal and the petroleum. And the reduced oxygen carrying the capacity of blood may be causing eyes irritation and skin cancer is a human being. And the next is a smog. Smog is very important. There is a everywhere. Smog is a mixture of a smoke, dust, particle and the small drops of a fog. Smog may be causing the necrosis and the revolved white coating on the leaves, a slavering of the plant and the human being is an animal. It may be causing asthma and allergies.
देयर इज द स्मॉग इज वेरी डेंजरस फॉर टुडे. The next is the aerosols spray pollutant. There is the most important factor here. A suspended is a fine particles in the air and known as the aerosols. The aerosols is a contain of chlorofluorocarbon. There is a chlorofluorocarbon is very dangerous and the chlorofluorocarbon use the refrigerator and aerosols is a cans and there is a depletion of the ozone layer. The chlorofluorocarbon is also use of refrigerator AC and there is a cooling quick cooling. Next is the domestic air pollutant. There is smoke from cigarettes, cigarettes and the other such object using to burning of tobacco, burning of coals, is the fireworks, carbon dioxide, kerosene oil and the liquefied gas are the major domestic pollutant. And the common pollutant gas emitted due to the domestic burning of coal, kerosene oil, firewood and carbon dioxide, etc. is the carbon monoxide and the carbon dioxide and the sulfur dioxide. So the pollution is due to be these pollutants causing the suffocations, eye, lung disease and the low visibility. There is a major effect of domestic air pollution. The here show the effect of the air pollution as a major effect of air pollution on the human health, plant and the animal is given table. The major air pollution, there is sorts of effect here. The first is carbon compound is CO2 and COO and CO2. They are pollutant. There is an automobile, exit of burning of the wood ends and coal. The harmful effect here, respiratory problem, greenhouse effect, and global warming and climate change. The next is a sulfur compound. There is sulfur compound two major form, SO2 and H2S. There is a power plant and the refineries or volcanoes are experiencing. And the harmful effect here, respiratory problem in human, loss of chlorophyll in plant, sclerosis, acid rain. There is acid rain is a as of sulfur dioxide. And the next is nitrogen compound. The NO and NO2O. There is a motor vehicle exhibit and the atmospheric reaction. The reaction is eyes and the lungs, low productivity in a plant, acid rain, damage of material, metal and stone. And the last is hydrocarbons, benzene and ethylene. There is automobiles and the petroleum industries. There is a mainly problem causing by the respiratory problem and cancer causing a property. There is a most important and dangerous fact here, cancer causing property. Here is the next is the SPM, the suspended particulate matter. The any solid and liquid is a particle suspended in the air, fly, ash, dust and the lead. There is the both the thermal power plant construction on the activity of metal surgically and process of automobile. There is causing a problem is a poor visibility, breathing problem, lead interfere with the development of red blood cells and causing lung disease and the cancer. And the last is a smoke and a smoke fog formation lead to the poor visibility or aggravation asthma in the patient. And the last is a fire. There is the fibers. Fibers means they are cotton bulls. There are fibers also in the pollute here. There are textile, carpet, various industries. There is a causing the lung diseases. Friend, here show the diagram of the major effect of the air pollution. There is air paint, solvent, pesticide, deforestation, diffusion, fossil fuel burning, refrigerator, fire exited, plastic foam, automobiles. Is the automobiles, there are different types. And the also is the gases area causing effect of the air pollution. The next is the prevention and control of the air pollution. There is the most important here, the two types of the air pollution gases and particulate. The method of controlling gases are pollutant here. So first of all is the conventions. The techniques are used of controlling and those air pollutants that are in their form of organic gases are vapor. In the techniques, the organic air is a pollutant are subjected to the flame combustion of technique, also known as the catalytics combustion in these techniques. The organic pollutants are converted into a less harmful product and the water vapors. The next is the absorption. The absorption is the process which is the substance penetrate into the another substance like a scabbard. In these techniques, gas pollutant are the passes through the absorbing a material like a scabbard. There is a scabbard is contain a liquid abundant and this liquid is abundant removed to the pollutant present in the gaseous envelope and thus the air coming into the surface free and the pollutant in the discharges into the atmosphere. There is a major fact here. The next is the adsorption. There is adsorption is the process which is the substance stick to the surface to another substance called is the
absorbent and in the techniques the gases influence are passed through the spore solid abundant and the keep to the container and the gases pollutant sticks on the surface of the porous as a material and the clean air pass through the organic and inorganic constant of gases influence are the trapped at the interfaces of solid abundant by the physical abundant. So here is the most important here the method of control of particulate air pollutant and there here the particulate air pollutant and the such as a dust soot fly ash etc can be controlled by their using of fabric filtrate is electrostatics precipitators and which survive their mechanical device etc. The first is a fabric filtrate. In this technique of gases as a emissions of containing dust soot and their fly as a passing through the porous fabric filtrate and made of fabrics cloth worn fabric and fabrics as their particles of pollutant get trapped in this fabric and they are collected in their filter and the gas free for the pollutant particle and discharges. There is a fabric filtrate is the most important here. And the next is a mechanical device. There are many mechanical devices that clean the air pollutant as due to gravity in which the particles shuttled down by the gravitational force by and sudden change in the direction of the gas flow in which the particles separate out due to the greater moment. And there third is the electrostatic precipitator and there is the most important in this technique a gas or air stream containing a crystal in the form of dust mist of films and the passing between two electrolytes to the electrostatic precipitator and during to process the aerosol particles get precipitated on their electrolytes. The next is the prevention and control of air pollution. There is a domestic level burning of wood and dung cakes is a cake can be replaced by a use of clear fuel and biogas for meat or decomposition animal and plant and the waste in the biogas plant. The next is automobile pollution can be reduced by pooling of transport or use of public transport. Use of unleaded petrol and CNG. There is a compressed natural gas and regular turning or surviving of the engines and etc. The switching of the engine at the red light and when not be used. There is a most important but journal is here use of prevention control of air pollution. And the also is a flowing measuring can be reduced industrial pollution. Here the installation of the tall chimney. There is a most important for the industry purpose use of tall chimney and the install of device that do not allow to pollutant to be released into the environment such as filtrate, electrostatics, precipitator and stop etc. There is a most important for the measuring of industry pollution of air. दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा प्रदूषण आया है. प्रदूषण कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक है ये आपके लिए कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा चाहे आप ऐसे के रूप में लिखो चाहे जिस मर्जी में लिखो लेकिन कहते हैं एयर प्रदूषण यानी जो प्रदूषण है बहुत ही खतरनाक है. हम अनेकों दैनिक क्रियाएँ करते हैं जैसे नहाते हैं एवं कपड़े धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं. ऐसा करने पर हम पानी में कुछ रासायनिक अवशिष्ट भी मिला देते हैं और इनकी गुणवत्ता में बदलाव आ जाती है. आप चाहो चाहे ना चाहो आप किसी न किसी रूप में जो है पानी में जो है वेस्ट मटेरियल मिला ही देते हो चाहे आप जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो. यह अपनी लापरवाही या अज्ञानतावश तालाब और नदियों के पानी में मिल सकता है. खाना पकाने के लिए लकड़ी के प्रयोग से धुआं हवा में मिलती है और कृषि संबंधी क्रियाओं में परिणाम स्वरूप जो है उर्वरक विनाशी और पर्यावरण प्रवेश कर जाते हैं. तो ये सारे जो होते हैं कई मायने में जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ही साबित होते हैं. कहते हैं अवांछनीय पदार्थों के अनुचित संग्रह में एकत्र होने का जीवों पर उनके पर्यावरण पर अंत जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसे ही प्रदूषण कहते हैं. यानी कोई भी अनवांटेड चीज़ हो सकता है जो कि पर्यावरण को दूषित करता हो उसी को ही हम प्रदूषण कहते हैं. अगर एक फैक्ट के रूप में देखा जाए तो पर्यावरण विशेष रूप से वायु जल तथा भूमि को भौतिक रासायनिक और जैविक अवलक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन के मानव आबादी वन जीवन औद्योगिक जो है प्रक्रियाएँ और संस्कृति विरासत भवन स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसे हम प्रदूषण कहते हैं. देखिए प्रदूषण कई मायने में खतरनाक है क्योंकि इससे कोई भी चीज़ वंचित नहीं रह सकता चाहे वो वन जीवन हो चाहे मानव आबादी हो चाहे औद्योगिक प्रक्रियाएँ हैं चाहे संस्कृति विरासत भवन या स्मारक हो सबको जो है इससे काफ़ी नुकसान होता है. इसलिए एयर पोल्यूशन सबसे खतरनाक और जो है विषैली माना जा सकता है. कहते हैं अगर एयर पोल्यूशन के साथ एक और प्रदूषण आता है जिसको हम प्रदूषक कहते हैं. कहते हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले एजेंट को प्रदूषक कहते हैं.
जो पर्यावरण को दूषित करता है उसके लिए जो एजेंट होते हैं उसे हम प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। तो यही हम अब जो है प्रदूषक की डेफिनेशन हम इस बात से समझ सकते हैं। अब देखा जाए प्रदूषण के प्रकार, देखिए प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। कहते हैं क्षेत्र या पर्यावरण के प्रभावित भाग के आधार पर प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण में आता है, जल प्रदूषण में आता है, मृदा प्रदूषण में आता है, ध्वनि प्रदूषण में आता है। तो हम सबके बारी बारी जो है विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रदूषण जो है इंसानों के साथ साथ जीव जंतु पर कितना प्रभाव डालता है और आने वाले समय में जो है पर्यावरण हमसे कैसे रुष्ट होगी इन प्रदूषणों की वजह से। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वायु प्रदूषण। तो यहाँ जो है वायु प्रदूषण, देखिए हम जानते हैं कि हवा में सांस लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीव जंतु जो है हवा में सांस लेता है। अगर हवा स्वच्छ ना हो तो न जाने कितने प्रकार की बीमारी जो है उसके शरीर में आ जाएगी। इसे हम महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम सूंघकर बता सकते हैं कि ताजी है या बासी दूषित है। किसी क्षेत्र में धुआं निकलते देखा बिना वायु प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित नहीं होता है। समस्त मान जो है मानवीय गतिविधियां जैसे घर में खाना बनाने से लेकर अत्यधिक जो है यंत्रीकृत उद्योग विकास कारण वायु प्रदूषण होते हैं। दोस्तों आज वायु प्रदूषण के लिए कोई कारण सोचने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही वायु प्रदूषण आपके जाने अनजाने में होते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। कहते हैं वायु प्रदूषण के सिर्फ दो ही स्रोत हो सकते हैं, एक तो है प्राकृतिक जो स्वयं ही प्रदूषित कर रही है, दूसरा है मानव निर्मित एक्टिविटी। अब देखिए जो है प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे ज्वलित जल, ज्वालामुखी की राख, आंधी, जंगल आग से उत्पन्न होने वाले धुआं, ठीक है, और फूलों द्वारा वायु में परागकणों के फैलने से। तो ये एक तरह के प्रदूषण है जो स्वयं ही प्राकृतिक करती है। लेकिन मानव अवजनित मानव निर्मित स्रोत को देखा जाए, प्रदूषण देखा जाए, तो इसका कहते हैं ना कहीं अंत ही नहीं है। इतने मनुष्य के द्वारा प्रदूषण हो रही है जिसको गिनाना भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ कोशिश किया है, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल का प्रयोग करके वायु संयुक्त यंत्र में यानी पावर स्टेशनों में उपयोग किया जाता है। कोयला, पशुओं के गोबर के उबले, लकड़ी, केरोसिन आदि चलाने वाली भट्टियाँ, तो इससे जो होता है वायु प्रदूषण होती है। साथ में रेल परिवहन, स्टीमर, मोटर वाहन आदि में जो है प्रयुक्त वाष्प इंजनों के आदि से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वायु में आगे मिल जाता है। कहते हैं पेट्रोल, डीजल, कृष्ण आदि से चलित मोटर व आंतरिक दहन इंजन आदि सारे सम्मिलित हैं। घरेलू ईंधन के रूप में जो है वनस्पतिक तेल, केरोसिन और कोयला सब आते हैं। मल एवं जल के घरेलू नालिकों से निकलने वाली दुर्गंध युक्त गैसें भी ये कारण बन सकती है। हवा में पिरकनाशी अवयव के रूप में भी हो सकती है, जैसे कि हम खेतों में कीटों से बचाने के लिए पिरकनाशी का छिड़काव करते हैं, तो इसे कई मात्राओं में जो है वायु में भी जो है घुल जाती है। अब देखा जाए तो मुख्य वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रदूषक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे आए दिन जो है इसके वजह से होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और सदैव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो आपको पता ही है कि जितनी जनसंख्या है अगर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, हमारे लिए ऑक्सीजन की मात्रा ही खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी आपका प्रश्न होगा, क्योंकि हमने पेड़ पौधों को काट दिया है। अब हमने पेड़ पौधों को जब काट दिया है तो आपको स्वच्छ हवा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्या आप ऑक्सीजन बना सकते हो? क्या आप बड़े बड़े घर में मशीन लगा सकते हो ऑक्सीजन बनाने वाली? दोस्तों ये संभव ही नहीं हो सकता। कहते हैं आज जितना भी आप ऑक्सीजन लेते हो, ग्रहण करते हो, ये कई ना कई रूपों में, किसी न किसी रूप में वायु से ही यानी पर्यावरण से ही प्रभावित होती है या पर्यावरण से ही बनती है। चाहे आप जितना मर्जी मशीन लगा लो, जितना भी आप मानव यंत्र बना लो, कहते हैं कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। जो नेचुरल होता है वो नेचुरल ही होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायु प्रदूषण की जो है सहभागी जो है मुख्य गैस में से एक कार्बन डाइऑक्साइड को माना गया है। यह कारखानों में, फैक्ट्री, पावर स्टेशन, घर आदि में ईंधन के दहने से परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। कहते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से निम्न प्रभाव पड़ते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ता है पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है वायुमंडल ताप और वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग का वृद्धि, इससे जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिला है। आगे देखा जाए तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की जो है उत्पत्ता में हर। देखिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पानी में इसकी घुलनशीलता के कारण समुद्र के पानी की अम्लता में वृद्धि होने से
उत्पादक में हर्ष होने लगेगा। आपने सुना होगा कभी टीवियों में जो है एक समाचार में सुना ही होगा कि कई क्षेत्र में जो है मछलियां मर गई हैं समुद्र के या नदियों में, तो कारण क्या होता है? उसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के घुल जाने से ऐसा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और सबके सब जो है पानी में विसर्जित कर देते हैं, जैसे जितने भी उसमें जीव रहती है वो सारे जो है मृत्यु के गोद में समा जाती है। तो ये बहुत ही घातक सिद्ध होती है जो है मैरिन जीव के जो लोग जो है जीव जंतु हैं, जो समुद्री जो जीव जंतु हैं, चाहे वो नदियों के जीव जंतु हैं, उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। कहते हैं अगर देखा जाए वैश्विक तापमान के कारण, कहते हैं धरातल तापमान वृद्धि के फलस्वरूप महाद्वीप पर्वतीय जो है हिमस्खलन ग्लेशियर में पिघलने से कुछ देशों में जो है समुद्र तट क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। देखिए ये कोई दो राय नहीं है, अगर ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर की पानी जो है हद से अधिक है और ये प्रलय लाने के लिए पर्याप्त है, और ग्लेशियर अगर पिघला तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में सबसे बड़ा प्रलय आ जाए। क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्पत्ति है हद से अधिक हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी गर्म होता है, और गर्म से क्या होता है ग्लेशियर पिघलता है, और ग्लेशियर पिघलेगा तो 100% जो है धरती जलमग्न में समाएगा। उसके पश्चात है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट ही है जो कि पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचा रहा है। कहते हैं ये शक्ति संयंत्र बिजली घरों में कोयला जलने एवं मोटर वाहनों कार ट्रक आदि से उत्पन्न होता है। इसमें जो है पादपों में हरित तमान जो हिमनता या क्लोरोफिल का जो है उत्कर्ष जो है मनुष्य में आँखों में जलन, श्वास नालिका में क्षति, दम्मा, श्वास शोध यानी ब्रोंकाइटिस तथा भवनों का जो है रंग फीका पड़ने लगता है। आपने ताजमहल के रंग तो जानते ही होंगे, ताजमहल जो है संगमरमर से बनाया गया लेकिन अभी के समय वो पीला पड़ता चला जा रहा है, तो इसका जो है सल्फर डाइऑक्साइड ही सबसे बड़ा कारण है। कहते हैं वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण सल्फर डाइऑक्साइड की वर्षा बूंदों में घुलने के कारण सल्फरिक अम्बल निर्मित होती है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। आपको पता ही कि आए दिन अम्लीय वर्षा के बारे में सुनते भी हो और जानते भी हो, क्योंकि इतने प्रदूषण फैल गए हैं, इतना सल्फर डाइऑक्साइड वायु में फैल गया है कि जब भी रेन होती है उसमें जो है एसिड रेन 100% होती ही होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है और यहाँ पर दो विचारधारा हो ही नहीं सकती। तो सल्फर डाइऑक्साइड के मिल जाने की वजह से ही अम्लीय वर्षा होती है और इसकी वजह से फसलों जो होते हैं नष्ट होते हैं और हमें भी कई तरह की बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तभी देखते हो एक बीमारी जाता नहीं है कि दूसरे बीमारी जो है अपना सर उठा लेता है। कारण क्या है? हमारा जो है पर्यावरण दूषित होती चली जा रही है, पर्यावरण में जो है हर चीज़ दूषित होता जा रहा है, चाहे वो धरती प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, आजकल तो ध्वनि प्रदूषण भी कम नहीं है। तो ये क्यों नहीं होगा हमारे जीवन में? हमारे जीवन को जो है नस दस हमने स्वयं ही किया है। अगला जो कारण बनता है वो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक रूप है जो उसी से बनता है। अगर CO को अगर CO2 से हम CO से रिएक्शन करा दे तो 2 CO के निर्माण होगा, जिसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी के कोयले के जो है अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। डीजल एवं पेट्रोल प्रयोग करने वाले मोटर वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड के मुख्य स्रोत होते हैं जो पर्यावरण में जो है संयोजित हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक हानिकारक होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये एक विषैली गैस होता है। आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा टीवी में या किसी से सुना भी होगा कि एक घर में क्या किया, किसी व्यक्ति ने आग जला लिया ठंड के मौसम में। ठीक है, घर में क्या किया, आग जला दिया और खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लिए। अगला दिन पता है उसमें से एक भी बंदा उठ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मर गए। कारण क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्योंकि आपको पता है लकड़ जलाओ चाहे कोयला जलाओ उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, और आप लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हो। तो पूरे घर में जो था कार्बन मोनोऑक्साइड ही कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने की वजह से आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, और जो है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जितने भी व्यक्ति घर में सोए हुए थे सबके सब जो है यमराज के गोद में समा गए। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, और कई बार आपने न्यूज़ में ऐसा देखा होगा। इसलिए कभी भी अगर घर में आग जलाते हो तो याद रखना सोने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉयड कर दो, या आपने आग जलाया है तो कोई ना कोई खिड़की या दरवाजे जरूर खोल के छोड़ो, नहीं तो आप भी इसका शिकार बन सकते हो। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ ले, रट ले और आग जो है मार्क्स ले ले और अपने आप को आगे बढ़ा ले।
नहीं, जब तक आप जो है अपने गलत कदमों को नहीं रोकोगे अपने ज्ञान के चशू से, तब तक पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये तो जनरल बात थी जिसको आपको समझना भी चाहिए और इसको जो है कहीं दिमाग में बैठा भी लेना चाहिए कि कभी भी सर्दी में अगर आपके माता पिता कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसको याद रखना कि सोने से पहले ही उसको घर से बाहर कर देना ज़रूरी है। और जब तक आप न सो तब तक कुछ देर के लिए घर के दरवाजे जरूर खोल के रखो, जिससे ऑक्सीजन आपके घर में परिपूर्ण रहे और कार्बन मोनोक्साइड गैस न बन पाए। कहते हैं कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का ही अधिक हानिकारक होता है, ये एक जहरीला गैस है। यह सुबह से समस्याएं उत्पन्न होती है और हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण के कारण रक्त प्रवाह में पहुंचने पर यह गैस ऑक्सीजन से प्रतिस्थापित करती है और जैसे सिर चकराता है, सिर दर्द होता है और हृदय के संबंधित कार्य करने में बाधा पहुंचती है। आप कभी सोचते हो, देखते होंगे कि काफ़ी देर तक अगर आप आग सेकते हो तो आपके शरीर में जो है सर में दर्द होने लग जाता है। कारण यही होता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, कार्बन मोनोक्साइड गैस, और आप उसको बैठ के वहीं पे इनहेल कर रहे होते हो, तो इससे आपको जो है सर दर्द होना स्वाभाविक सी बात बन जाती है। उसके बाद शायद है फ्लोराइड्स। देखिए फ्लोराइड जो होती है गर्मी किए जाने का फ्लोराइड एक चट्टान सब जमरदाएँ और खनिज जिनमें फ्लोराइड होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के उत्सर्जन करते हैं। यह एक अत्यंत विषैली गैस है जिसे मवेशी और पशुओं आदि को भयंकर हानि पहुंचती है। उसके बाद नाइट्रेट के ऑक्साइडेस। कहते हैं नाइट्रेट कुछ ऑक्साइडेस जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2O तथा नाइट्रेट डाइऑक्साइड CO NO2 प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा तथा तापीय शक्ति स्टेशन ताप से जो है बिजली घरों कारखाने वाहनों और वायुयानों में उत्पन्न होते हैं। ये कोयला पेट्रोलियम के जलने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी करते हैं और इसमें आँखों में जलन और त्वचा कैंसर की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उसके पश्चात है देखिए धूम यानी स्मॉग। कहते हैं यदि अंग्रेजी सब स्मोक सब लिया गया तो फॉग मेल से बना है, अंतर धूम धुआं धूल कणों एवं छोटी छोटी कोहले की बूंदों के मिश्रण होती है। इसके उत्कक्ष यानी क्रोसिस हो सकते हैं और यह पत्तियों में सफेद परत यानी रजत रोग विलपित का भी निर्माण भी करती है। कहते हैं मानवों और जानवरों में यह दम्मा एवं एलर्जी भी उत्पन्न करती है। आगे जो है दोस्तों हमारा है एरोसोल कुलर प्रोधक यानी एरोसोल स्प्रेसिव प्रोडेंट। देखिए ये जो है काफ़ी मानने में आप अपने घर में ही इसको इंस्टॉल करते हो। कैसे? कहते हैं वायु में निलंबित सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल में मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और एडलाइट जो है डब्बों में होती है और ये अर्जुन प्रत के अपशब्द के कारण बनती है। देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि आप अपने घर में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी एक बहुत ही विषैली गैस को जो है सम्मिलित कर रखे हो। कहते हैं आप लोग जहर के साथ ही जीवन व्यतीत करते हो। आपको ठंडा पानी बहुत पसंद आता होगा लेकिन आपको पता नहीं है ठंडा पानी क्यों होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। उसमें जो गैस भरी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती है। अब मानिए थोड़ा सोचिए कि वो गैस जो है आपके खाने में जो है ठंडा कर रहा है, ठीक है, आप पानी को भी ठंडा कर रहा है, क्या वो आपके बॉडी में नहीं जाता होगा? थोड़ा सोचिए और विचार कीजिए। इस पर मैं अधिक बोलूँगा नहीं क्योंकि ये सोचना विचार करना और अपने जीवन के साथ खेलना ये आपको स्वयं ही पता होगा। कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सिर्फ आपको रेफ्रिजरेटर से ही होती मिलती है, अगर आप एसी भी यूज़ कर रहे हो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ पर भी होता है। यानी जितने भी ठंडा करने वाले जो है वस्तु है यंत्र है सब में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली ही जाती है। चाहे आपका वो गाड़ी में क्यों ठंडा करने वाला यंत्र क्यों ना हो, सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाली जाती है। तो समझ जाइए कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और कैसे सांस ले रहे हो, इसमें मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात है घरेलू वायु प्रदूषक। देखिए घरेलू वायु प्रदूषक के विषय में तो आपको पता ही होगा, जैसे आए दिन और सड़कों रोडों घर के पास देखते ही रहते हो सिगरेट बीड़ी सिगार अन्य जलाने वाले तमाकुयुक्त पदार्थों निकलने वाले धुआं कोयला कास्ट उपले क्रोसिन तेल और द्रवयुक्त गैसों का जलना मुख्य जो है घरेलू प्रदूषक कहलाता है। घरेलू प्रयोगों में कोयला केरोसिन तेल लकड़ी उपले आदि के जलने से कार्बन मोनोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस उत्सर्जित होते हैं। इन प्रदूषकों के कारण होने वाले प्रदूषण से जो है श्वास रोध यानी दम घुटना आँख व फेफड़े की बीमारी व अल्प दृष्टता उत्पन्न होती है जो कि बहुत काफ़ी घातक होती है। उसके पश्चात है वायु प्रदूषण के प्रभाव। देखिए वायु प्रदूषक पर देखा जाए तो बहुत प्रभाव पड़ता है, तो कुछ प्रभाव जो है यहाँ पर तालिका में दिखाया गया है। तो देखते हैं पहला प्रदूषक कौन है। यहाँ पर पहला प्रदूषक आता है कार्बन यौगिक यानी CO एंड CO2। स्रोत क्या होता है? मोटर वाहन लकड़ी और कोयले से जलने से।
और इसका हानिकारक प्रभाव कहाँ पड़ता है? श्वसन संबंधी समस्याओं में, पौधा गठन, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हद से अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है प्रदूषण सल्फर यौगिक, यानी SO2+H2S, ये दो एजेंट है और इसकी वजह से जो होता है सख्त यंत्र जो रिफाइनरी ज्वालामुखी विस्फोट में ये काफ़ी मात्रा में निकलता है। और इसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है? मानवों में श्वसन समस्याएं, पौधों में वन हरित क्लोरोफिल की कमी, क्लोरोसिस नामक रोग और अम्लीय वर्षा दो इसका सबसे बड़ा कारण बनता है। उसके पश्चात नाइट्रेट यौगिक यानी NO और N2O, ये कहाँ निकलता है? मोटर द्वारा छोड़े गए धुआं वायुमंडलीय अभिक्रिया में। इससे क्या होता है? मानवों के आंखों में, फेफड़ों में जलन, पादपों की उत्पत्ति में कमी होना, जो है अम्बल वर्षा से पदार्थ जो है अधातुओं के पत्थर के क्षति पहुँचाता है। और अगला जो है हमारा हाइड्रोकार्बन, बेनाजीन, इथिलीन, निलंबित कण और जो SPL, ठीक है, निलंबित कण कहते हैं, जैसे बेसपीएल इथेनाइल होता है, इसमें मोटर वाहन और पेट्रोलियम उद्योग में होता है और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है श्वसन समस्याओं में पड़ता है और कैंसर उत्पन्न करने वाले गुणों भी इसमें मौजूद होते हैं। आगे हमारा निलंबित कण द्रव्य यानी SPM, हवा में निलंबित कोई भी ठोस या द्रव्य कण, राख, धूल, शीशा आदि उपयुक्त होते हैं। ये तापीय शक्ति संयंत्र निर्माण और जो है गतिविधियां, धातु कमियों और प्रक्रिया मोटर वाहन में इसका जो है प्रयोग होता है। इससे क्या होता है? जो है दृष्टता में कमी होने, श्वसन समस्याएं होती है, शीशा लाल रक्त कणिकाओं के विकास में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वह फेफड़े के रोग एवं कैंसर उत्पन्न करते हैं, यानी कैंसर भी इन्हीं कारणों से होता है। धूम या स्मोक का मतलब ही होता है धुआं या कोहरा, निर्माण के कारण ये बनते हैं। उसके पश्चात अंतिम जो है हमारा रेशे, कपास, ऊन, देखिए वस्त्र उद्योग या कालीन जो है बुनाई उद्योग में ये उपयोग होता है और इससे जो होते हैं फेफड़े के विकार, फेफड़े के संबंधी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। उसके पश्चात वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? कहते हैं वायु प्रदूषण दो प्रकार के गैसीय होते हैं और कणकीय होते हैं। गैस वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले तो दहन है, देखिए यह तकनीक कार्बनिक गैसों और वाष्प के रूप में विद्वान वायु वस्तुदक के नियंत्रण के लिए यानी वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में कार्बनिक वायु प्रदूषक पर ज्वाला दहन तकनीक यानी फ्लेम कम्बशन टेक्निक, जिसे हम उत्प्रेरक दहन यानी कैटलिस्ट कम्बशन भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा कार्बनिक प्रदूषक कम हानिकारक पदार्थों एवं जल में जो है परिवर्तित हो जाती है। अगला है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। देखिए अवशोषण का प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ मार्जक जैसे अवशोषित पदार्थ होकर गुजरते हैं, दूसरे पदार्थ जैसे मार्जक यानी स्क्रैप की तरह प्रवेश करता है और इस तकनीक में गैसीय प्रदूषक अवशेषक पदार्थ जैसे ही इस मार्जक से होकर गुजरता है, इन मार्जकों में एक द्रव्य अवशेषक होता है। यह द्रव्य अवशेषक गैसीय वही स्वत्र में विद्यमान प्रदूषकों को हटा देता है और इस प्रकार जो है मार्जक से बाहर आने वाली हवा प्रदूषित रहित होती है और इसे वातावरण में विसर्जित भी कर दिया जाता है। उसके बाद है अधिशोधन यानी एब्जॉर्प्शन। ये अधिशोषण जो का मतलब दोस्तों यही होता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के तल पर चिपक जाते हैं और इस तकनीक में जो है गैसीय वरिष्ठ तापात्र में रखे गए सरंध्र ठोस अवशेषकों पर गुजारा जाता है और गैसीय प्रदूषक सरंध्र पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, वह यह शुद्ध हवा बाहर निकल जाती है। कार्बनिक और अकार्बनिक गैसी जो है अवयव गैस अधिशोषक की सतह पर जो है भौतिक अधिशोषण द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। अगर यहाँ पर एक चित्र देखोगे तो वायु प्रदूषण प्रमुख प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जीवाश्म ईंधन का जलना, पेंट विलायक, पिलकनाशी, वन उन्मूलन, जीवन ईंधन का जलना, फॉर्म, प्लास्टिक फॉर्म, अग्निशमक, रेफ्रिजरेटर, सारे के सारे जो है यहाँ पर प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। उसके पश्चात है कणकीय वायु प्रदूषण नियंत्रण करने की विधि। देखिए कणकीय वायु प्रदूषण जैसे धूल, कलिक, राख आदि को जो है वस्त्र फिल्टरों स्थित जो है विद्युत अवक्षेपों या आर्द्र मजकों में यांत्रिक युक्तियों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कहते हैं वस्त्र फिल्टर एंड फैब्रिक फिल्ट्रेट, इस तकनीक में धूल, कलिक और राख युक्त गैस के उत्सर्जनों को सरंध वस्त्र फिल्टर बुने हुए या भरे हुए से गुजारा जाता है और प्रदूषक कण इस वस्त्र में अवरुद्ध हो जाते हैं और फिल्टर में कत कर लिए जाते हैं, वह प्रदूषक कण रहित गैस निमुक्त हो जाते हैं। उसके पश्चात यांत्रिक युक्तियाँ, देखिए ऐसी अनेकों युक्तियाँ जो है जिनके द्वारा हवा को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषण हटाने जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही गुरुत्व प्रभाव का प्रयोग करके जिसमें कण जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा है गैस प्रभाव की दिशा में अचानक परिवर्तन करने में अपेक्षित अधिक संवेग के कारण कण जो है पृथक हो जाते हैं। तो ये मेथड भी है जिसको हम जो है दूषित कणों को हटा सकते हैं।
उसके पश्चात स्थिर विद्युत अवेक्षक। इस तकनीक में एक गैसीय एरोसोल धूल कुला एवं धुएं के रूप में मौजूद होता है। युक्ति वायु द्वारा स्थिर विद्युत अवेक्षक के दो इलेक्ट्रोलाइटों के बीच से गुजारा जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान जो एरोसोल और इलेक्ट्रोडोज पर अवक्षेपित हो जाती है। उसके पश्चात वायु प्रदूषण के रोकथाम व नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, घरेलू सतह पर लकड़ी या उबले जलाने के स्थान पर स्वच्छ ईंधन या बायोगैस संयंत्र के जंतु पादप क्षेत्रों से अपघटन से प्राप्त गैस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मोटर द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कई लोग मिलकर एक गाड़ी में जाने से या सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं। लेड रहित पेट्रोल या CNG कंप्रेस नेचुरल गैस संपृक्त प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक प्रयोग करने से इंजनों की नियमित सफाई व समय यानी टर्निंग द्वारा भी हम जो है वायु को प्रदूषण को रोक सकते हैं। साथ में अगर हम जो है लाल बत्ती पर या जब प्रयोग न किया जा रहा हो ऐसी स्थिति में इंजन को बंद करके भी जो है पैसे के साथ साथ वायु प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। और निम्न उपयोग में औद्योगिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जैसे ऊंची चिमनियां लगाकर फिल्टर स्थिर विधायक अवयव मजक आदि उपकरणों का प्रयोग करके जो प्रदूषकों के पर्यावरण में विसर्जित नहीं होने देते। देखिए दोस्तों, हमारे पास उपाय भी है और हम प्रदूषण करने के कारण भी है। ये सब होता ही रहेगा जब तक हम समझदार और पढ़े लिखे नहीं बन जाते। और ये पढ़ा लिखा और ज्ञानमय तब बनोगे जब त्रिपाणि सेंटर को आगे बढ़ाओगे। और आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है कॉपी जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।